दोस्तों अगर आप भी एक चैनल स्टार्ट कर ली है और आपके चैनल पर 5, 10, 15, 20 दोस्तों ऐसे व्यूज आ रहा है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। देखिए यहाँ पर जो बड़े क्रिएटर हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनके चैनल पर इतना ज़्यादा व्यूज क्यों जाता है, जबकि ये थोड़ा बकाठ भी दोस्तों वीडियो बना देते हैं फिर भी इनके चैनल पर बहुत ही अच्छा खासा व्यूज चले जाता है। लेकिन वहीं पर आप अपने चैनल पर कितना भी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल दोस्तों वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं फिर भी आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं जाता है। तो देखिए मेन जो यहाँ पर होता है ना, वो दोस्तों आप वीडियो ही गलत तरीके से अपलोड करते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से सही तरीके से वीडियो अपलोड करना है तो इस वीडियो में बन रही है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, क्या करते हैं यहाँ पर यूट्यूब में जाते हैं और यहाँ से प्लस का आइकन करके यहाँ पर सिंपली सा लिखा होता है अपलोड वीडियो, तो बहुत सारे लोग इसी पर से क्लिक करके अपलोड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जैसे कि टेक चैंपियन सपोर्ट जूनू की टेक मनोज टेक योगी यहाँ पर माई स्मार्ट टेक सपोर्ट दोस्तों ये सब कैसे अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं बताता हूँ। देखिए और आपको भी सही तरीके से कैसे अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना है ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है अपने क्रोम में। दोस्तों देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। देखिए आपको यहाँ पर सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है YouTube.com। दोस्तों आपको इतना कुछ अपने क्रोम में सर्च कर लेना है YouTube.com। दोस्तों ध्यान से बने रहिएगा, अगर आप इस तरह अपने चैनल पर कोई भी दोस्तों वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका हर वीडियो दोस्तों वायरल होगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह YouTube का यहाँ पर ब्राउज यहाँ पर ओपन हो जाएगा जो कि आपके क्रोम में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऊपर 3 डॉट का आइकॉन, आपको इस पर क्लिक करके और देखिए यहाँ पर जो PC का यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा और यहाँ पर लिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है और देखिए आपके साथ जैसे कि कोई आप PC ओपन करता है तो उसमें का इंटरफेस शो करता है, सेम वैसा ही दोस्तों आपके मोबाइल में स्क्रीन ऐसा शो करने लगेगा आपके PC जैसा, ठीक है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपके चैनल का वहां पर लोगो दिख रहा होगा, आपके अपने चैनल पर चले जाना है, ठीक है। चैनल के लोगों पर दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा यूअर चैनल, दोस्तों आपको यूअर चैनल पर यहाँ पर टच कर देना, ठीक है। यूअर चैनल पर दोस्तों जाने के बाद आपके यहाँ पर दिखेगा कस्टमाइज चैनल, देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, आपको सिंपली सा इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो दोस्तों आज के तारीख से दोस्तों आपका हर वीडियो वायरल होगा और दोस्तों आप यूट्यूब से भी पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए studio.youtube.com यहाँ पर ओपन हो रहा है लिंक खुलकर, और देखिए थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम चल रही है। और देखिए यहाँ पर अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हो गया है, अब हम चले जाते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर लिख रहा है टेक्स्ट ब्रेनिंग बेसिक इन्फो। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कंटेंट में चले जाना है, ठीक है। कंटेंट में जाने के बाद दोस्तों आप जो भी वीडियो अपलोड किए रहेंगे ना वहाँ पर आपके वीडियो यहाँ पर सभी वीडियो शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है चैनल कंटेंट, यहाँ पर सब आपका वीडियो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो देखिए दोस्तों अब क्या करना है, आपको चले जाना है सिंपली सा, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्रिएट का, दोस्तों आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारा आपको फ्यूचर दिखेगा। दोस्तों देखिए ऊपर दिखेगा अपलोड वीडियो गो लाइव क्रिएट पोस्ट, तो हम अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हैं अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए ऐसा आपके सामने इंटरफेस शो करेगा, जबकि आप यूट्यूब से दोस्तों वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो नहीं करता होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख रहा है सिलेक्ट फाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बने रही है वीडियो में, देखिए अब यहाँ पर खोजेगा मतलब आप किस फाइल में जाना चाहते हैं, जो भी आप फाइल में से यहाँ पर वीडियो लेना चाहते हैं तो आपको ये अब वो फाइल में लेकर चले जाएगा, ठीक है। अब आप अपने फाइल में जा सकते हैं दोस्तों, फाइल में जाने के बाद आप जिस भी यहाँ पर फाइल में अपना वीडियो सेव किए हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पर काइंड मास्टर में वीडियो एडिट करके हम इसमें किए हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारा फ्यूचर आपके सामने शो करेगा, उसी में दोस्तों आपको समझना है और अच्छे से दोस्तों काम करना, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो दोस्तों यहां पर थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए जो आप YT स्टूडियो से जाकर थंबनेल और यहां पर जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते थे वो आपको सभी चीज यहीं पर डालना है। तो देखिए यहां पर हमारा हो रहा है दोस्तों, और देखिएगा यहां पर सबसे ऊपर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है सबसे ऊपर टाइटल का ऑप्शन। दोस्तों आपका वीडियो जिस टाइटल से रिलेटेड है आपको यहाँ पर अपना टाइटल डाल देना है। तो चलिए हमारा यहाँ पर टाइटल हम यहाँ पर रहने देते हैं, बाद में डालेंगे, पहले इसका जो भी फ्यूचर है वो आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब आता है आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। अब बहुत सारे लोग तो सोचेंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यूट्यूब में आता है, तो दोस्तों अभी वेट कीजिए, बताने वाला हूँ वैसा फ्यूचर आपको जब यूट्यूब से अपलोड कीजिएगा वीडियो तो ना ही आपके YT स्टूडियो में मिलता है और ना ही आपके यूट्यूब में, ठीक है। अब दोस्तों
दोस्तों आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन को यहाँ से भर लेना, ठीक है। अब दोस्तों डिस्क्रिप्शन के भरने के बाद आपको यहाँ पर 3 नंबर पर आता है थंबनेल का आइकन। और दोस्तों ये थंबनेल आपको वो लगाना है दोस्तों, जिस भी मान लीजिए आप अपने वीडियो में थंबनेल लगाते हैं वो थंबनेल का ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप यहाँ से थंबनेल क्रिएट करके यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने वीडियो में कोई भी प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर प्लेलिस्ट नहीं बनाना है तो हम रहने देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आता है ऑडियंस इज दिस वीडियो मेड फॉर काइड्स रिक्वायर्ड, मतलब आपकी वीडियो बच्चे के लिए है या सियान के लिए है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए मेरा चैनल है टेक कैटेगरी से, तो यहाँ पर 2 साल 3 साल का बच्चा थोड़े देखेगा कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करे, तो हमारा वीडियो यहाँ पर बच्चे के लिए नहीं है, तो यहाँ पर हम नो इट्स नॉट मेड काइड्स पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यस में क्लिक कर देते हैं, और दोस्तों यस में क्लिक कर दीजिएगा तो आपका वीडियो सिर्फ बच्चे के लिए है। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आता है पैड प्रमोशन, तो दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है। माय वीडियो कौन, मतलब आप अपने वीडियो को दोस्तों प्रमोशन करवाना चाहते हैं गूगल एड्स द्वारा पैसा देकर, तो यहाँ पर ये है आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पैसा तो नहीं है कि हम वीडियो यहाँ पर पैसा देकर अपना वीडियो को प्रमोशन करेंगे। अब दोस्तों इसको उसी तरह छोड़ देना है, उसके बाद इसको भी उसी तरह छोड़ देना है। अब दोस्तों नीचे आइएगा तो आपके सामने एक फ्यूचर दिखेगा एड टैग का, दोस्तों यहाँ पर टैग है। अब दोस्तों ये टैग वो है, मान लीजिए आपका वीडियो लोग क्या क्या चीज़ से सर्च कर सकता है, वो टाइटल आप अपने टैग में डाले रहेगा तो आपका वीडियो वहाँ पर सर्च में आ जाएगा और आपके वीडियो को लोग दोस्तों यहाँ पर देखेगा। तो आपको इसमें भी यहाँ पर अपने वीडियो से रिलेटेड टैग डाल देना है, ठीक है। और टैग डालने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज यहाँ पर दोस्तों आता है, मेन दोस्तों यही है जो कि आपको IT स्टूडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर वीडियो का अपने लैंग्वेज ही चूज नहीं कीजिएगा तो YouTube को समझ नहीं आएगा कि ये वीडियो आखिर किनके पास पहुँचाना है। मान लीजिए आपका वीडियो है यहाँ पर हिंदी पर और आप इसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा भोजपुरी, आप इसमें सेलेक्ट कर दीजिए इंग्लिश, तो क्या YouTube कुछ समझ पाएगा और आपके वीडियो को वायरल करा पाएगा? चाह कर भी वायरल नहीं करा पाएगा आपके वीडियो को। तो आपको सबसे पहले आपका जिस भी मतलब लैंग्वेज से आप अपना वीडियो यहाँ पर बनाते हैं तो उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर है, सॉरी दोस्तों इसको कट कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पर लैंग्वेज है, जो बोलने का लैंग्वेज है वो दोस्तों हिंदी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपना लैंग्वेज को दोस्तों यहां पर हिंदी कर लेंगे ताकि YouTube हमारे वीडियो को वायरल कर सके। तो देखिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद वेट करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहां पर आपका लैंग्वेज दोस्तों हिंदी है, तो आपको सिंपली सा इधर स्क्रॉल करना है और देखिए यहां पर आपके सामने दिख रहा है हिंदी, ठीक है। तो दोस्तों हम हिंदी पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हिंदी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर आता है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कैटेगरी का ऑप्शन दोस्तों आता है। अब जिस भी मतलब लीजिए आप अगर एक ब्लॉगिंग चैनल है दोस्तों, आपका एक ब्लॉग चैनल है, तो आप इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आता है किधर गया पीपल ब्लॉग, दोस्तों आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंटरटेनमेंट दोस्तों चैनल है मैं तो यहाँ पर दोस्तों इंटरटेनमेंट हो जाएगा। मान लीजिए आप पढ़ाकर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन हो जाएगा। अगर आप अपने चैनल पर कॉमेडी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर कॉमेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मेरा टेक कैटेगरी का यहाँ दोस्तों चैनल है, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर दोस्तों क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली सा क्या करना है, ऐसे करने के बाद वहाँ पर सेव दिखेगा, आपको नीचे जाकर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा है, पूरा कुछ डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपका ये वीडियो दोस्तों अपलोड हो जाएगा और निश्चित के साथ दोस्तों ये वीडियो आपका वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।